एक बार फिर से देखनी पड़ेगी फिर समझ आएगी। ज़ाहिर है पाकिस्तानी है ना तो ज्यादा इंग्लिश में नहीं ना होनी चाहिए था। बड़ी अच्छी बनाई थी उन्होंने, मजा आया मूवी देख के। या कोई सॉन्ग नहीं था अच्छा, सॉन्ग से कोई फनी सीन नहीं। 10 में से 9.8 तो बना। जी भाई कैसी लगी मूवी आपको? फारूक यार अस्सलाम वालेकुम जी, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हैं एक बार फिर से अपनी एक पाकिस्तानी मूवी देखने, जो कि है ज़रार। और इस पे हम ऑब्वियसली मूवी देखने के बाद रिव्यू भी करेंगे, और आज हम ज़रा पब्लिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक को कैसी लगी है ये मूवी। वैसे मैंने इस पे कुछ कमेंट्स वगैरह देखे हैं और कंपैरिजन इसका लोग मौला जट से कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो एक टोटली डिफरेंट टाइप की मूवी है और ये ऑब्वियसली एक डिफरेंट चीज़ है, तो एक साइड पे रख के इसको देखना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं मूवी, तकरीबन टाइम हो चुका है, वी आर गोइंग इनसाइड, और उसके बाद फिर हम रिव्यू लेंगे पब्लिक का भी और ख़ुद भी इससे बात करेंगे। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी लगी, बड़ी अच्छी बनाई थी उन्होंने, मज़ा आया मूवी देख के। और ये उन्होंने सियासत में भी इसमें बताया कि हमारे मुल्क को कैसे वो डिग्रेड करते हैं, उसको उन्होंने सारा मतलब एंगेज किया। जी ब्रो, मूवी के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा फजूल मूवी थी, फजूल मूवी थी बहुत ज़्यादा। इतना अच्छा एक्टर था, इतनी अच्छी हर चीज़, लेकिन मूवी बहुत। अच्छा, इसकी कोई दो बेसिक रीजन आप बता सकते हैं फजूल? एक ही तरफ हर मूवी घुमाई गई है, सिर्फ शान के अलावा किसी एक्टर को दिखाया नहीं उन्होंने। शान तो मेन एजेंट था ना, तो उसके अलावा किसी और एक्टर को मैंने दिखाया ही नहीं, कोई और एक्टिंग दिखाई ही नहीं, कोई और फोर्स नहीं दिखाई। ISI का एजेंट है और फोर्स होनी चाहिए था, कोई और एग्जैक्टली। या कोई सॉन्ग नहीं था अच्छा, सॉन्ग है कोई फनी सीन नहीं, कोई बिल्कुल भी कोई अच्छी। चलिए आपकी तरफ से मतलब 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 3। 3, ओके थैंक्स यार। मूवी बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत मज़ा आया हमें। और स्टोरी का मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मज़ा आया मुझे। जो शान का करेक्टर था वो एक ही करेक्टर इन्होंने दिया हुआ था, तो वो जितने भी विलन थे वो तो उसको ऐसे मारा था जैसे कि वो खुद मरने के लिए बैठे थे। ज़्यादा पाकिस्तानी है ना तो ज़्यादा इंग्लिश में नहीं ना होनी चाहिए था। हाँ ये बात ज़रूर है, हाँ ये बात मैं भी कहूँगा भाई कि इंग्लिश उन्होंने बहुत ज़्यादा अंदर यूज़ की हुई है, लेकिन मतलब ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो उनको मुश्किल होती है। बाकी आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे मूवी? 5 देंगे जी, हमारी पाकिस्तानी मूवी है। 5 देंगे जी, 5 हैं पाकिस्तानी है, थोड़े ज्यादा दे दें यार। 10 में से 10 दे दिए जी भाई, कैसी लगी मूवी आपको? फारूक यार, फारूक होने की वजह तो बताए ना कोई। एक जो मूवी होती है उसमें बार बार नहीं दिखाते, वो बार बार वही दिखा रहे, कभी वो बूढ़ा सा बंदा दिखा रहे हैं, समझ नहीं आई। चलो यार ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका समझ ना आने का थोड़ा इशू रहा है, बाकी मूवी अच्छी थी। ठीक है थैंक यू भाई। मूवी कैसी थी? कुछ कहोगे आप? भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई ने तो ज़रार की कैप भी पहनी हुई है, तो भाई कैसे तारीफ नहीं कर सकते उसकी। आपकी तरफ से भाई एक लाइन? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी मूवी है माशाल्लाह। माशाल्लाह ठीक है, बस भाई आए देखें। अच्छा 10 में से कितने नंबर देंगे आप मूवी? 10 में से कोई 11 नंबर, 7-8 तो दे ही देंगे। 7-8 ठीक हो गया यार, ओके थैंक्स। तो ये यार क्रू के बंदे हैं तो ओपनली कमेंट्स नहीं कर रहे। हाँ भाई, मैंने कहा भाई से भी पूछ लें मूवी कैसी थी यार, बताओ। मूवी अच्छी थी अगर एज कम्पेयर टू मौला जट, मौला जट तो फिर टॉप पे थी। नहीं यार मैं कहूँगा मौला जट के साथ इसका कंपैरिजन नहीं बनता, वो एक डिफरेंट चीज़ थी, एक डिफरेंट चीज़ है। वैसे ओवरऑल मजा आया, 10 में से 9.8 तो ओके ठीक हो गया। तो भाई मूवी बहुत मज़े की थी ओवरऑल, मतलब हॉलीवुड लेवल की वाकई इन्होंने मूवी बनाई है।
और अगर हम मतलब इसमें थोड़ी बहुत कमियों की बात करें तो मैं सिर्फ दो से तीन चीज़ें हाईलाइट करूँगा। एक, साउंड इफेक्ट्स, मुझे लगा है कि साउंड इफेक्ट्स में थोड़ी सी कमी थी, और उनकी जो लाइट्स थी उनमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ शॉट्स में लाइट का भी इशू था, मतलब फुटेज में ग्रेन था, और ड्रोन शॉट्स जितने भी थे वो क्लियर नहीं थे। ये दो से तीन इशूज़ थे। बाकी स्टोरी के एंड से और मूवी पे जितनी मेहनत हुई है या जो बजट था, ओवरऑल मूवी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तानी के तौर पे देखें तो मैं कहता हूँ इस लेवल की मूवी वाकई कोई और अभी तक नहीं आई है, और मैं कहूँगा कि आप लोगों को देखनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट टू सपोर्ट आवर इंडस्ट्री, क्योंकि अच्छी चीज़ है। और कुछ लोगों को, एक चीज़ और मैंने देखा जो लोगों को इशूज़ आ रहे थे, वो ये था कि इंग्लिश अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई, और हमारे कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली इंग्लिश में जिनका हाथ थोड़ा ढीला है तो उनको पूरी तरह समझ नहीं आई मूवी, और ऑब्वियसली हॉलीवुड टाइप मूवी थी ज़रा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ लोकेशन चेंज प्रॉपर, मतलब पूरी मूवी में मैं खुद सोचता रहा, मतलब स्टोरी समझने के लिए कुछ चीज़ें मुझे भी कनेक्ट करनी पड़ी, बट जो आम लोग हैं या जो सिंपल लोग हैं जिनको ज़्यादा इंग्लिश का भी जिनमें थोड़ा इशू है या जिनकी मूवी सेंस भी उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगा कि वाकई में एक मुश्किल सीन था मूवी को समझना, इसलिए कुछ लोगों ने ऑड कमेंट्स भी दिए हैं इसे। फिर भी मैं कहूँगा कि मूवी आप ज़रूर देखें, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।